गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका पुनः MCQs में स्वागत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक प्रश्न एक नंबर का, केवल आपको ABCD में से सही उत्तर लिखना है और आपको ये नंबर एक नंबर मिल जाता है। 12 नंबर्स का है। 12 नंबर्स आपको पास होने में ही केवल मदद नहीं करते, लेकिन वो आपको आपकी जो परसेंटेज है उसे भी जो है गेन करने में और अच्छा करने में बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज़ MCQs लर्न करें, बिकॉज बहुत फास्ट जल्दी हो जाएंगे, और अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको इतने याद हो जाएं कि आप विद इन 2 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द पेपर, यानी 2 मिनट आपको केवल अगर पेपर शुरू होते हुए होंगे तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे, क्योंकि घुमा फिरा के यही प्रश्न जो हैं वो आएंगे। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, द पेडलर had stolen dash from the nearby house. जब पेडलर, ये रैट ट्रैप वाला लेसन है। पेडलर जब जो एक रैट ट्रैप्स बनाता था, आदमी एक भिखारी सा था, इधर उधर घूमता था, पेडलर था, उसने क्या नियर बाय हाउस से, क्रॉफ्टर के घर से क्या उसने चुराया था? मनी, ज्वेलरी, लगेज या नन ऑफ दीज? उसने चुराया था मनी, और मनी अगर मैं आपको बताऊं तो कितने चुराए थे उसने? 30 kroners। ठीक है, आप हर चीज़ को भी याद करते जाइए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। When the rat trap seller entered the forge, फॉर्ज होता है वो जगह जहाँ पर कोयला बनाया जाता है या भट्टी, the dash were dangling on his chest. डैंगलिंग का मतलब होता है लटकना, उसकी चेस्ट से, उसकी छाती से क्या लटका हुआ था? नेचुरल है, रैट ट्रैप वाला होगा तो रैट ट्रैप्स होंगे। क्रोनर्स, पैसे, वायर्स यानी कि तारे, रैट ट्रैप्स या नथिंग? उसका उत्तर रैट ट्रैप्स से, क्योंकि रैट ट्रैप्स वो बेचता था और गले में उसको लटका कर घूमता था। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर टेकिंग, चाइडेड होता है छिड़क कर, फटकारना, अगर हम कहें तो उन्होंने, गांधी जी ने फटकारा था वहाँ के लॉयर्स को। ये अपना इंडिगो का लेसन है। चंपारण में जब गए तो लॉयर्स फाइट करते थे केस किन का? फार्मर्स का, या पेजेंट्स जिनको हम कहते हैं। तो उन्होंने किस लिए फटकारा? फॉर टेकिंग सो मच पीस, सो मेनी केसेस, सो मेनी आर्ग्यूमेंट, सो मच टाइम। तो नेचुरली केसेस लेने के लिए तो वो कभी भी उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, वो तो पैसे ज़्यादा लेते थे इसलिए। तो सो मच पीस के लिए उन्होंने उनको करा। What extra work did M. Hamel used to give to the students? M. Hamel और कौन सा काम देते थे बच्चों को? To catch fish, ये जाओ मछली पकड़ो। To slide on the sand, कि चलो फिसलो तुम एक फिसल पट्टी से। To water flowers, पानी दीजिए हमारे गार्डन में। To play in the ground, या तुम खेलो। तो भाई काम तो जो होगा वो ये था, To water the flowers। उनका एक गार्डन था बहुत ब्यूटीफुल, और वो कई दफ़ा स्टूडेंट से बोलते थे चलो पानी ही दे दो मेरे बगीचे। द ओनली वर्क दैट मुकेश फादर न्यू इज, जो केवल मुकेश के पिताजी को जानते थे काम करना, ये अपना लॉस्ट स्प्रिंग वाले लेसन में से है। और सेकंड वाला है, उनको स्क्राउचिंग गार्बेज, वो कचरा बीनते थे, मेकिंग बैंगल्स, वो बैंगल्स बनाते थे चूड़ियाँ कांच की, कुकिंग फूड या डूइंग नथिंग। अब कुकिंग फूड तो आप पहचान गए, वो एक्चुअली फिरोजाबाद के रहने वाले थे, और आंसर इसका है मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद की इंडस्ट्री जो है वो बैंगल्स की इंडस्ट्री है और वो वही करते थे। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे ऊपर करके अब जो है वापस से करते हैं। चलिए, हाउ वॉज द YMCA पूल? YMCA पूल कैसा था? डेंजरस, ट्रेचरस, सेफ या ब्यूटिफुल? देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं हुए होइएगा, इसमें डीप वाटर है, और डीप वाटर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि याकिमा रिवर जो है ना वो ट्रेचरस है। अगर तो यहाँ पे YMCA पूल की जगह याकिमा रिवर आ जाए तो आप भाई इसका ट्रेचरस लिखेंगे, लेकिन YMCA पूल तो उसके लिए एक सेफर प्लेस थी, क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाले भी थे और बच्चे भी आते थे तो वो सेफ था। ठीक है, मेन कांट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स व्हेन थ्रेटन्ड विद, मेन कभी भी अपने आप को नहीं समझ सकते जब उनको क्या, किससे थ्रेटन्ड होते हैं? डेथ से, मृत्यु से, लाइफ से, जीवन से, पैशन से या स्टिलनेस से? अब देखिए, मैन कांट अंडरस्टैंड, ये कीपिंग क्वाइट वाला है, मैन कांट अंडरस्टैंड देमसेल्व व्हेन दे आर थ्रेटन्ड विद, वो कभी अपने आप को नहीं समझ पाते जब उनको मृत्यु का डर होता है, क्योंकि एक मानव को हमेशा क्या सीखना चाहिए? पीस,
दूसरे मानव की सेवा, लेकिन जब वो डर जाता है तो वो अपने को बचाने के लिए दूसरे को भी मारेगा। तो मेन थिंग है मृत्यु, ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड शेडी बून फॉर, ट्रीज किस किस के लिए शेडी बून देते हैं, शेडी यानी छाया देते हैं, क्रोस कौए, बर्ड्स पक्षी, काइट्स, ये दोनों हो सकते हैं, पतंग भी हो सकती है और हमारा पक्षी भी हो सकता है, शीप। इसका उत्तर कविता के हिसाब से जो हमारा है जॉन कीट्स की थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर एंड अ जॉय फॉर एवर, इसका उत्तर शीप है और इसमें हम शीप लिखेंगे, राइट। हु कंपोज द पोयम आन जेनिफर टाइगर, आन जेनिफर टाइगर किसके द्वारा कंपोज है, मैं जो है पैब्लो नरूडा, नो, कीपिंग क्वाइट कमला दास, नहीं, मदर एट 66 लिखा है, एड्रिन रिच, ये इसका उत्तर है, एड्रिन रिच, ठीक है। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ द, जो हमारा वर्ल्ड है वो हमारा जीवन किससे है, लाइफ एक्टिविटीज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, इसका उत्तर है बोथ ए एंड बी, जीवन भी है और हमारी आसपास एक्टिविटीज भी है। ये हमारे 10 हो गए। अब मैं दो और करने के लिए हम पेपर को जो है वो पलटते हैं और अपन अब इसको करेंगे, ठीक है। 12 और जो हमारे हैं उनको हम देखते हैं कि हम कैसे उनको करते हैं। चलिए अब ये हम आ गए इसमें, देखिए क्लियर मेरे ख्याल से अब दिख रहा है हम लोग क्लियर। व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रीम डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, जो ड्रीम है उनका कैसा है, टू मूव आउट इन द ओपन, वो बाहर जाना चाहते हैं, टू रिमेन वेयर दे आर, वो वहीं रहना चाहते हैं, टू सिट इन द डार्क क्लासरूम, वो केवल एक कक्षा में अंधेरे से कक्षा में रहना चाहते हैं, टू लिव इन अ स्लम या स्लम में रहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हम पढ़ाई करते हैं, टू मूव आउट इन द ओपन, ए हम बाहर जाना चाहेंगे, हम ब्राइट अपना फ्यूचर करना चाहेंगे और शिक्षा हमें करती भी है। टू द आयरन मास्टर टुक द रैट ट्रैप सेलर एज इज, आयरन मास्टर ने क्या सोचा, वो रैट ट्रैप सेलर असल में है कौन, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, रेजिमेंटल या पर्सन, तो अपन ये कहेंगे वो अपना रेजिमेंटल यानी सेना में काम करने वाला व्यक्ति है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था आपको इस तरीके से एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इसे ही बना लीजिएगा, प्रश्नों को कॉपी मत करिएगा, अ ब स द जो भी उत्तर है वो पहले प्रश्न में जो उत्तर आए उसको लिख दीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है। ये टाइम तो आपका बचाएगा ही बचाएगा और आपको 12 नंबर्स भी देगा, तो ध्यानपूर्वक करें, बहुत फास्ट ना करें इसको, काटाफासी भी ना करें, लेकिन आप इसको अगर बार बार करते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आई थिंक 12 नंबर्स किसी भी बच्चे के जो है वो उनको हम लेने से नहीं रोक सकते, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। सो प्लीज रिवाइज देम वंस अगेन, इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, थैंक यू।